जिसकी वजह से आपका वेट उतना इफेक्टिव कम नहीं हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, और फिर वो आप अपनी हैबिट रिपीट कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अनलॉक करने वाला हूँ वेट लॉस सक्सेस, और उसके अंदर मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है, वो है फूड जर्नल। अब आप सोचेंगे कितना भारी बना के बोला है ना, तो वो इसलिए बोला है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जब आप अपनी डाइट कर रहे होते हो, देखो आपने चाहे मुझसे डाइट प्लान लिया हुआ है या आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो या आपने किसी भी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान लिया हुआ है, अगर आप अपना वेट लॉस या आप प्लान कर रहे हो वेट लॉस करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी वेट लॉस की स्पीड को डबल कर दे, 2x कर दे आपकी वेट लॉस की स्पीड को, सिर्फ किस तरीके से अपना फूड जर्नल बना के। फूड जर्नल क्या भला है, कैसे बनाते हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना आसान है, और किस तरह से उसमें लिखना है, क्या क्या लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम फूड जर्नल पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक बात समझें, देखें फूड जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर डाइट कर रहे हो ना, डाइट के बीच में आप जो खाना खा रहे हो, आप कब ऐसा वक्त आता है कि आप डाइट से हटके कुछ खा लेते हो, ठीक है, किस वजह से होता है, कभी कुछ डाइट में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा होता है, ऐसी क्या चीजें होती हैं, उस वक्त तो आप कर लेते हो, थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो, कभी आप ज्यादा चाय पी लेते हो, ज्यादा स्नैकिंग कर लेते हो, उसके पीछे का रीजन आप नहीं जान पाते, और उस रीजन की वजह से आपका वेट लॉस उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा होता, आपका वेट बढ़ता जा रहा होता है, ठीक है। अब फूड जर्नल बड़े तरीके के होते हैं, आप सिंपल एक पेन लो, पेपर लो, कॉपी लो, ये भी आपका फूड जर्नल हो सकता है, ठीक है। आप एक डायरी बना लो, एक रजिस्टर बना लो, आप अपने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारी फिटनेस के वेट लॉस की ऐप्स आती हैं जिसके अंदर फूड जर्नल्स होते हैं, ठीक है। आपको सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, कौन सा तरीका मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता आप बाहर गए हो, आपने चाय पी ली, आपके हाथ में वो डायरी और पेंसिल तो है नहीं ना, मैंने चाय पी मैं लिखूँ, अजीब ही लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, तो मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। पहले इसकी इंपॉर्टेंस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए जब भी आप डाइट कर रहे हैं ना, आपने डाइट करते करते अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हम डाइट करें या हम वेट लॉस करना चाहें, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, यह हमें अंदाजा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने डाइट तो शुरू कर दी, लेकिन बीच में आप पे किसी चीज़ का स्ट्रेस आया, टेंशन है, आपने एक चॉकलेट खा ली, आपके सर में दर्द, फिर वो आपने एक कप चाय पी ली, इसमें भी कैलोरीज हैं, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें, आपने बच्चों के साथ कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, कोई एक टॉफी खा ली, कोई चीज़, तो ऐसी चीज़ें हम करते हैं, और किस वजूहत से कर रहे होते हैं, वो चीज़ें तो करते हैं, उन पर हमें निदामत तो होती है, लेकिन वो किस वजह से की थी वो हमें याद नहीं रहता। तो इसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि अपना डेली का एक फूड जर्नल बनाए, सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक क्या ली वो लिखें, ठीक है, उसके बाद आपने नाश्ता क्या किया वो लिखें, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये तीन चीज़ें तो आप बड़ी आराम से लिख लोगे, इनके बीच में आपने क्या क्या खाया, क्यों खाया, और क्या किस वजह से खाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक मिसाल आपको देता हूँ, आपने अपना पूरे दिन की डाइट आपने मुझसे ली हुई, आप मेरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, एक दिन शाम में आपने एक कप एक्स्ट्रा चाय पी ली मीठी, ठीक है, अब वो चाय क्यों पिए, चाय तो पी ली आपने, वो चाय क्यों पिए, वो चाय लिख दो, एक कप चाय पियो, नीचे लिख दो सर में दर्द हो रहा था, मिसाल है। आप मैं आपको बताऊं, जब आप देखोगे ना पूरे हफ्ते के बाद, जब आप उसको अपने आप को अपने फूड जर्नल को चेक करोगे कि आपने क्या खाया क्या पिया, तो आपको नजर आएगा कि 3 से 4 बार अपने सर के दर्द की वजह से चाय पी, ज्यादा कैलोरीज नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से या सर के दर्द की वजह से, जिसकी वजह से आपका वेट उतना इफेक्टिव कम नहीं हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, और फिर वो आप अपनी हैबिट रिपीट करो, तो उस हैबिट को जब आइडेंटिफाई कर लोगे ना फूड जर्नल की मदद से, तो फिर क्या होगा, फिर आप उसका कोई बेहतर हल निकालोगे कि जिस सर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन भी ली जा सकती है, डॉक्टर के पास भी जाया जा सकता है, चाहे सर के दर्द का हल नहीं होता, यह सिर्फ हमारे दिमाग में मिथ बना हुआ है, सही है। इसी तरीके से एक और चीज़ बताता हूँ, कभी आपने कोई मीठी चॉकलेट खा ली, अब वो चॉकलेट आप क्यों खा रहे हो, आया गुस्से में खा रहे हो, खुशी में खा रहे हो, या स्ट्रेस में खा रहे हो, या कोई रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है, तो वो जब खा रहे हो चॉकलेट, तो चॉकलेट ना लिखो, उसके नीचे रीजन लिखो, जब 3-4 बार आप पीछे देखोगे आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से खाने के बाद रात को लेट नाइट कुछ खा लिया, अच्छा रात को लेट नाइट क्यों खा लिया, हस्बैंड लेकर आ रहे हैं कुछ बाहर से ऐसा फास्ट फूड वाली चीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग हस्बैंड होना ना वो भी इंसान को मोटा करता है, उसकी वजह होती है कि वो बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद बाहर से कुछ मंगवा रहे हो, या फिर बच्चों के लिए मंगवाया था साथ खा लिया, जो भी रीज़न है ना उस खाने के साथ वो रीज़न लिख दो, फिर उन रीजंस को एलिमिनेट करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हस्बैंड को एलिमिनेट कर दो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप रीजंस एलिमिनेट करो कि मैंने खाना बहुत ज़्यादा जल्दी खाया था 5-6 बजे, तो मुझे दोबारा भूख लग गई, उसको थोड़ा ठीक कर लेते, तो ये छोटी मोटी चीज़ें लिखो और पीछे जाकर रिव्यू करो, ठीक है। और इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ फूड जर्नल बनाने का,
या तो आप एक रजिस्टर ले लो घर पे अगर आप रहती हो, ठीक है, या फिर अगर नहीं रह सकते तो देखो ये जो एक भला है ना ये सबके पास है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास आप मोबाइल नहीं होगा, जो मेरी वीडियो देख रहा है ऑब्वियसली मोबाइल पे देख रहे होगे। अच्छा देखो, मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, अपने साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। अपना नंबर सेव करो, दो नंबर है तो बेहतर है, नहीं सेम नंबर को सेव करो मोबाइल में, जो ऊपर थ्री डॉट्स होते हैं ना व्हाट्सएप पे, उस पर जाओ न्यू ग्रुप करो, ठीक है। न्यू ग्रुप में सिर्फ अपना ही ऐड करके एक ग्रुप बना लो फूड जर्नल के नाम से, जो कुछ खाओ एक छोटा सा मैसेज है फॉरन से कर दो, वॉइस नोट्स ना करो बाद में जाके सुनोगे प्रॉब्लम होगी, एक रिटन मैसेज कर दो, चिकन खाई है, सूप पिया है, बर्गर खाया है, और टाइम लिख दो, ठीक है, रीजन है तो छोटा सा रीजन लिख दो। जब आप जाके उसको रिव्यू करोगे ना, ये बेस्ट फूड जर्नल हो सकता है आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप, जब आप जाके उसको रिव्यू करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक की, क्यों आपका वजन इतनी तेजी से कम नहीं हो रहा। मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूँ, मुझसे जो खवातीन डाइट लेती हैं, डाइट प्लान लेती हैं ना, मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ, प्रॉपर नीचे नंबर लिखे हुए हैं, आप भी ले सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि अपने मील की पिक्चर मुझे भेजो, तो उन्हें पता भी नहीं होता, एक तरीके से वो फूड जर्नल का एक्ट कर रहा होता है, वो मुझे अपने मील की पिक्चर्स भेज रही होती हैं, इस वजह से वो बेहतर खाना खा रही होती हैं, ठीक है। और उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं इंस्टेंटली मैसेज कर देता हूँ कि ये आपने अभी खा लिया, नेक्स्ट टाइम इसको कम कर देना, चावल कम कर देना, रोटी कम कर देना, चावल ना लो, कोई ना कोई इशू होता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक आध रेफरेंस के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखिए मील की पिक्चर्स कितनी जबरदस्त लगी हुई है, ऐसी आ रही होती है। तो आप भी अगर मुझसे प्रॉपर डाइट प्लान और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, मैंने कुछ डील्स पर डिस्काउंट लगाया हुआ था न्यू ईयर पर, वो अभी तक कंटिन्यू आप ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोला कि भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।